बात बच्चों, हमने पिछली कक्षा में स्वर आई सीखा था। स्वर आई, आई और उससे जो जो चीजें होती हैं, स्वर आई, आई से ऐरावत, आई से ऐनक, आई से ऐनक, आई से ऐनक। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि आई कैसे लिखा जाता है। इस नीली रेखा से एक सीधी रेखा, उसके बाद एक तिरछी रेखा नीचे और उसको थोड़ा घुमा देंगे, उसके बाद फिर से ये नीली रेखा से एक सीधी रेखा और ये अंदर की तरफ इसको घुमा देंगे और ऊपर एक तिरछी रेखा आई, एक सीधी रेखा, फिर तिरछी रेखा और नीचे से इसको थोड़ा सा घुमा देंगे, उसके बाद यहां से फिर से एक सीधी रेखा और थोड़ा सा घुमा देंगे और यहां एक तिरछी रेखा आई, एक सीधी रेखा, तिरछी रेखा और उसको थोड़ा सा घुमा देंगे, उसके बाद फिर से एक सीधी रेखा और थोड़ा सा घुमा देंगे आई और ऊपर एक तिरछी रेखा आई। तो हमने देखा आई कैसे लिखा जाता है। आई सीधी रेखा, तिरछी रेखा थोड़ा घुमा के, फिर एक सीधी रेखा और उसको थोड़ा सा घुमाएंगे और ऊपर एक तिरछी रेखा आई। तो बच्चों, हमने देखा आई कैसे लिखा जाता है। अब हम अगली कक्षा में देखेंगे अगला स्वर। तब तक के लिए